सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार। आज एक बार फिर से राज डेयरी फार्म से वीडियो लेके आ रहे हैं और सामने आप भाई साहब देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र से पहुंचे हैं पूना के पास दौंड से। तो भाई साहब से पूछेंगे कितनी भैंसे ली है। 10 भैंस लेके जा रहे हैं राज डेयरी फार्म से। तो सामने आओ भाई साहब, कितने कितने रुपये की भैंस ली है, कितने दिन होगी इधर आपको आए हुए, तो पूछेंगे। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम अपना? अमूल है। अमूल। अमूल, तो महाराष्ट्र में कौन सी जगह है? महाराष्ट्र में दौंड। दौंड पूना। तालुका कौन सी पड़ेगी अपनी? दौंड। थोड़े पीछे रहो। तालुका कौन सी रहेगी? तालुका दौंड। दौंड। गांव का क्या नाम अपने? वालकी। 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 तो कितनी भैंस ली आपने राजाई फार्म से? 10 ली। 10 भैंस। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 4 दिन हो गए। 4 दिन। कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड, फंसाने वाला काम कोई आपके साथ में? रहने खाने पीने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और जो महाराष्ट्र के भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आपकी जो मराठी भाषा है राज डेयरी फार्म के बारे में? राज डेयरी फार्म ऐसा फार्म है, इस में गाँव है। हाँ हाँ, चांगले मशी भेटता। हाँ, योगेश सर है। हाँ हाँ, उन्होंने, योगेश सर ने हमको 200 बजे दिखाई एक दिन में। अच्छा, उसमें से हमने 10 भैंस लिया आपने। अच्छा, दूध कितने टाइम देखा आपने भाई साहब? 2-3 टाइम दूध देखा है। महाराष्ट्र के भाई डरते बहुत हरियाणा में आने के लिए, कोई ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा। कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड वाला सिस्टम, कोई जोर जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं हुई? तो ये भाई साहब साथ ही पहुंचे हैं। अपना क्या नाम भाई साहब? मैं गौरव जोंगड़े। गौरव जोंगड़े। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? कुछ नहीं, हमारा मेहमान जैसा ख्याल रखा योगी सेठ ने। अच्छा अच्छा, खाना बना अच्छा है, ठीक है, अच्छी दी है सब। सभी भैंस बढ़िया है। देखो पैसा भी लगाया भाई साहब, देखो अपन तो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप राजडेयरी फार्म पे पहुंचे। तो हर भैंस के बारे में आप भाइयों को ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको भैंस दिखा रहे हैं जी, दूसरे ब्यांत की भैंस है ये, खोल। तो ये देखें जी, दूसरे ब्यांत की भैंस है ये, पूना में जा रही है, दूसरे लोड की खरीदी है, इनकी नहीं है ये, 1,22,000 की ली है भाई साहब, खुद आए थे। उम्मीद करेंगे 15-16 लीटर दूध आराम से निकाले, बिल्कुल रिंग सिंग है, 1,22,000 रुपये की। और इससे आगे फिर एक और ये भी पूना जाएगी, मौसी में जाएगी, कुछ जो गायें हैं उनके साथ में जाने वाली झोटियाँ हैं, इन भाइयों की नहीं है ये झोटी ली, 1,25,000 रुपये की। अभी मौके पे 15 लीटर चालू दूध है इसमें, आज 7 से 8 दिन की जो जनी हुई है, उम्मीद करेंगे झोटी 9 लीटर दूध आराम से निकाले टाइम का। ये देखें, और ये झोटी ली है जी 1,50,000 रुपये की, 1.5 लाख की ली है भाई साहब। दूध कितने टाइम देखा आपने इसका? 2-3 टाइम देखा। 2-3 टाइम निकाल के लिया है। ये देखें जी, जब खुद के चलती है झोटी, देखें बहुत बड़ा जो ऑर्डर है, 1,50,000 रुपये की, लेकिन 2-2.5 लाख की जो झोटियाँ ऐसी बिकती देखी हमने, लेकिन बहुत जो पुराना काम है भाई साहब। आप कैसे पहुँचे, आपके पास में भैंस गई थी ना इधर से? हाँ, गई थी। तो कैसी थी वो भैंस? अच्छी थी। कितना दूध दिया उन भैंसों ने? 15-16। आपके दोस्त लेके गए थे? हाँ, उन्होंने आपको इधर भेजा है? हाँ, हमको। वो भैंस बढ़िया लगी तभी आए हो भाई साहब। हाँ, तो देखिए जी, इससे आगे फिर एक और झोटी है, ये ली है जी 1,06,000 रुपये की, बहुत तकड़ी ऊंची झोटी है। अभी 10-11 लीटर जो दूध है इसमें, ले आ वापिस ले आ, 1,06,000 रुपये की ये झोटी ली है। और सभी को नहीं खोलेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ये झोटी ली है 1,31,000 रुपये की झोटी ली है, देखें बहुत तकड़ी ऊंची झोटी है, चिक से खाली होके 13-14 लीटर से स्टार्टिंग है दूध की, ये झोटी ली है 1,32,000 रुपये की। अभी मौके पे लगभग 16 लीटर दूध तैयार है इसमें, दूसरे ब्यांत की है ये झोटी ली है 1,15,000 रुपये की। और उधर ले जा, ये झोटी देखिए बहुत भारी वजन है जी, 1,22,000 रुपये की ये झोटी ली है। तो देखने वाले भाई कमेंट करके आप ज़रूर बताएं जी, पशुधन कैसे हैं, और महाराष्ट्र में ऐसी कोई तालुका नहीं, ऐसा कोई ज़िला नहीं जहाँ पे राज डेयरी फार्म से भैंसे न गई हो जी, एक साफ़ सुथरा काम, बहुत पुराना काम है जी महाराष्ट्र में, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, कराड़, पूना, नासिक, नांदेड़, मुकरामाबाद, मुखेड़, कहीं से भी हो जी, ट्रांसपोर्टिंग की जो सुविधा है वो हम करवा के देंगे। कम से कम 5 भैंस की छोटी गाड़ी होती है, फिर 7 भैंस की, 8 की, 10 की, 11 की, जितनी भैंसों की जो गाड़ी आप बनाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जो लगातार स्क्रीन पे चल रहे हैं जी। ये देखें, इससे आगे फिर एक और इस साइड की जो भैंसे देखें, ये देखें, ये झोटी लीजिए 1,55,000 रुपये की। अभी मौके पे 17-18 किलो दूध तैयार है, पैसा भी लगाया देखो, लेकिन जानवर कैसे हैं,
कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इससे आगे फिर एक और बहुत तगड़ी ऊंची रोटी है, ये रोटी ली है 1,45,000 रुपये की, और ये जो बच्चा है साथ में अभी 1,300-1,400 लीटर दूध से स्टार्टिंग है, उम्मीद करेंगे 9 लीटर जो दूध है टाइम का आराम से निकाले। ये रोटी ली है जी 1,25,000 रुपये की, ये देखें अभी हाइट थोड़ी नॉर्मल है, लेकिन नीचे का सिस्टम देखे रोटी का 14-15 लीटर दूध की है ये। ये रोटी लिए 1,40,000 रुपये की, अभी दूध निकल के आई है, और ये लिए जी 1,37,000 रुपये की बुरी रोटी है, ये दोनों अभी खाली होने के बाद अभी आई है। तो ये भाई साहब पहुँचे अपने पास महाराष्ट्र से, तो किसी भाई साहब को अच्छी भैंस लेनी हो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, गाय लेनी हो ये गाय भी पूना में जाएगी। और जो कटड़ियाँ हैं देखें, ये हैदराबाद की ऑनलाइन जो खरीदी वो चालू है, कटड़ियों के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा जी, क्योंकि कटड़ियाँ हर किसान नहीं बेचता, तो भाई साहब से 10 दिन का टाइम मांगा है 15 कटड़ियों के लिए, हर कटड़ी का जो वीडियो है उनके पास डाल रहे हैं, अंदर भी जो कटड़ियाँ हैं देखिए बंधी हुई है। तो किसी भी भाई साहब को कैसा भी जो पशुधन लेना हो आप संपर्क कर सकते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, पंजाब, यूपी, कहीं भी अच्छी भैंसें लेनी हो आप संपर्क करें। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी भैंसें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बहुत भारी भरकम भैंसें हैं, 11 भैंस की जो गाड़ी मंगाई है जी शाम को 10 भैंसों के लिए, क्योंकि बहुत भारी भरकम भैंस सारी की सारी। तो सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।